पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ा, कैसे हम किसी मीनार की या खंभे की ऊंचाई बिना उसको नापे त्रिकोणमिति के सहारे से हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए एक दो, उनमें क्या था, केवल एक ही त्रिभुज था, तो हमें सोचना नहीं था कि कौन सा त्रिभुज लें कौन सा नहीं लें। अब हम क्या करेंगे, अब जो दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उन दोनों में दो दो त्रिभुज होंगे, तो हमें उन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों में कुछ ना कुछ करके हमको आंसर पे पहुंचना है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। मतलब क्या हुआ, एक 20 मीटर ऊंचा एक घर है, ये हमारा एक 20 मीटर ऊंचा घर है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये कितना है 20 मीटर। इसके छत पे एक संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार का मतलब कोई मीनार लगी हुई है, मान लेते हैं कि ये वो मीनार है बी सी। किसी बिंदु से, ये जो मीनार का नीचे का बिंदु है बी, जो उसका तल है, और मीनार का जो शिखर है सी, उसके उन्नयन कोण कितने हैं 45 और 60। हम जमीन पे एक पॉइंट ये मान लेते हैं डी, यहां से इसका उन्नयन कोण है 45 और बिंदु सी का उन्नयन कोण कितना है 60, यानी कि ये पूरा कोण कितना है 60। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, दो कौन से त्रिभुज है, एक तो हमारे पास त्रिभुज बी डी ए है और दूसरा हमारे पास त्रिभुज सी डी ए है। हमें निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है, हम मान ले हमें बी सी निकालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज बी डी ए की तरफ चलते हैं, बी डी ए में आएंगे, बी डी ए में हमें ये 45 डिग्री एंगल पता है, इसका लंब पता है, और हम क्या कर लेते हैं, हम डी ए यहाँ से निकाल लेते हैं, आधार निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्या हो जाएगा टेन 45 बराबर ए बी, ए बी कितना है 20 है बटे ए डी, यानी कि हमारा ये जो जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं उससे घर के नीचे वाले पॉइंट की दूरी, टेन 45 कितना होता है एक होता है बराबर 20 बटे ए डी, यहां से हमारा ए डी भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। अब हम आते हैं अगले त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में अब हमें सी डी ए में आएंगे तो हमें उसका आधार पता है, ये हमें आधार अब हमें पता है क्योंकि हमने ये निकाला अभी अभी ए डी कितना 20, और हमें निकालना क्या है, हमें वैसे निकालना तो बी सी है, हमें निकालना क्या है बी सी, ये है ये ऊंचाई, लेकिन हमें ये ऊंचाई 20 पता है, तो अगर हम ये पूरी ऊंचाई निकाल लें और उसमें से ये 20 क्या कर दें घटा दें, तो हमारी ये इतनी ऊंचाई आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो हम त्रिभुज सी डी ए में हमें आधार पता है और हमें लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे टेन थीटा का यूज करेंगे, टेन अब हम 45 ये है 60 का यूज करेंगे क्योंकि हम ये बड़े वाले त्रिभुज सी डी ए की बात कर रहे हैं, टेन 60 बराबर लंब सी ए बटे आधार कितना है डी ए, टेन 60 कितना होता है 3 सी ए को हम लिख सकते हैं 20 प्लस बी सी, ठीक है, और डी ए हमारा कितना है 20 ही है, इस 20 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस बी सी, यहाँ से हमारा बी सी कितना हो जाएगा 20√3 − 20, और अगर हम 20 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √3 − 1, तो यहाँ से हमें जो बी सी है मीनार की ऊंचाई वो हमें पता चल गई कि 20 गुणे √3 − 1, √3 की वैल्यू देके हमें
हम इसको आगे सॉल्व कर दे सकते हैं, इतने मीटर है। हम कहीं नहीं गए कि हम इस पॉइंट बी पे गए हों, फिर हम इस पॉइंट सी पे गए हों, और हम उन दोनों के बीच की दूरी कोई धागा या कोई स्केल लेके हमने नापी, हमने त्रिकोणमिति का यूज किया और हमने उस मीनार की ऊंचाई निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। अब इसमें दो खंभे हैं, ये 80 मीटर की सड़क है, इसको हम मान लेते हैं ए बी। इस पे एक खंभा लगा हुआ है ए सी, और इस पे एक खंभा लगा हुआ है बी डी। ये दोनों खंभों की लंबाई समान है और ये कोण कितना होगा, 90, क्योंकि खंभे तो जमीन से सीधे खड़े होंगे ऐसा हम मान के चलते हैं। आंधी वांधी आई होगी तो वो नीचे नहीं हुआ होगा, वो सीधा ही रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा। अब क्या दिया हुआ है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कम से 60 और 30 है। यहाँ पे हमारा एक कोई बिंदु है सड़क पे, इसको हम मान लेते हैं ई। इस बिंदु से अगर हम देखें तो खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से ये उन्नयन कोण 30 है और यहाँ से ये उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, यानी कि हमें बी डी निकालना है, ए सी निकालना है, जो कि दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, और हमें ए बी निकालना है। नहीं, ए बी तो हमें पता है 80 मीटर, हमें निकालना है ए ई और बी ई। खंभों से इस बिंदु की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है। अच्छा, तो हम ए, ये जो ए ई है इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो बी ई हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि क्योंकि हमें ए से बी तो हमें पता है कि कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब हम पहले आते हैं त्रिभुज सी ए ई में, त्रिभुज सी ए ई में आते हैं तो हमें, और हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं वाई और इस बी डी को भी हम वाई मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हुए हैं। ये लंब है, ये आधार है, इसलिए हम टेन 60 ले लेते हैं, टेन 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है वाई बटे आधार कितना है एक्स। टेन 60 कितना होता है, √3, बराबर वाई बटे एक्स। यहाँ से हमारा वाई आ जाएगा एक्स √3। ठीक है, अब हम आते हैं त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में हम क्या करेंगे, लंब और ये आधार, इसलिए हम टेन 30 लेंगे, टेन 30 बराबर लंब कितना है वाई बटे आधार कितना है 80 माइनस एक्स। टेन 30 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटे √3। इस y की जगह हम लिख सकते हैं x√3, इस इक्वेशन से y की जगह हम लिख देंगे x√3 बटे 80 माइनस एक्स। ये इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 3x। इस x को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 80 बराबर 3x प्लस x, एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा 4x, 4 को उधर भेजेंगे तो 80 से भाग दे देंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 80 बटे 4, 20 मीटर। मतलब क्या कि हमारा जो ए ई है वो हमने निकाल लिया 20, तो बी ई हमारा अपने आप कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो 80 है, तो 60 और 20 80 हो जाएगा। अभी भी हमारी खंभों की ऊंचाई नहीं निकली है, खंभों की ऊंचाई यानी कि ये y हमें निकालना बाकी है, इसके लिए हम इस इक्वेशन में आएंगे, y बराबर x कितना आया है, x आया हमारा 20 गुणे
√3, इससे हमें खंभे की ऊंचाई भी पता चल गई, y बराबर 20√3 मीटर। तो ऐसे ही हमें त्रिकोणमिति के सारे सवाल करने हैं। कैसे करने हैं? सबसे पहले समकोण त्रिभुज पहचानना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है जो हम जिसमें हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अनुपात हम प्रयोग करेंगे, और ऐसे हम त्रिकोणमिति के सारे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा त्रिकोणमिति खत्म होता है। धन्यवाद।